तो ये आपको देखने से लग ही नहीं रही होगी कि ये नेनुआ की सब्जी है फ्रेंड्स, और इसकी ग्रेवी का आप अंदाजा लगाइए कितनी गाढ़ी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नेनुआ ग्रेवी मसाला की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये नेनुआ जो हमने अपने खेतों से लाया है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का है। इसके लत्तर होते हैं, ये देखिए, ये छोटे इसके बच्चे हैं नेनुआ के। तो हमने नेनुआ इस प्रकार से अपने खेतों से तोड़ के लाया है फ्रेंड्स। किसी किसी के डंठल थोड़े कड़े होते हैं तो आप आसानी से इसे तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लाया है एक। तो ये नेनुआ जो है इसको हम छील लेंगे फ्रेंड्स। इसका जो वेट है वो लगभग 400 ग्राम के आसपास है, तो इस प्रकार से हम इसे किसी छीलने की मदद से छील लेंगे, या तो आप चाकू की मदद से भी इसे छील सकते हैं। इसके छिलके थोड़े मोटे हैं तो हमने छील लिया है। तो इसी प्रकार से हमने छील के इसके दोनों तरफ के डंठल को हम काट के निकाल देंगे। उसके बाद हम इसे धो के अच्छे से इसे हम काट लेंगे। तो काटने के लिए फ्रेंड्स हमने बीच से इसे चीरा लगाया है, तो इस प्रकार से हम इसे चीरा लगाएंगे। और बाकी फिर तो इस प्रकार से ये इसके बीच में होता है, तो हम इस प्रकार से इसे काट लेंगे। बस बिल्कुल आसान तरीके से कट भी जाता है, और इस प्रकार से कटने से पकने में भी सुविधा होती है, बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो हमने ये देखिए इस प्रकार से सारे नेनुआ को हमने काट लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है फ्रेंड्स, उसमें तेल डाला है 2 चम्मच के आसपास। तो अब हम यहाँ पे 5 फोरन डालेंगे और 2 सूखी मिर्च। 5 फोरन यहाँ पे हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि नेनुआ में हमें थोड़ी सी 5 फोरन ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो यहाँ थोड़ी कम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। तो इसी प्रकार थोड़ा सा रोस्ट करके हम इसे नेनुए को डाल देंगे, और इसे डाल के अच्छे से इसे मिलाएंगे फ्रेंड्स। नेनुआ को हम लोग अपने यहाँ नेनुआ परोल भी बोलते हैं, कहीं कहीं तोरई भी बोलते हैं। तो हम लोग के यहाँ नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग परोल बोलते हैं, नेनुआ बोलते हैं, तुरई हम लोग के यहाँ उतना नहीं बोला जाता है। तो ये देखिए हमारा नेनुआ जो है अच्छे से गल गया है, क्योंकि बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो अब हम यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने बारीक काटा है। आप चाहे तो अदरक को पीस के दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा कट करके डाला है, ताकि ये जो नेनुआ का सब्ज़ी है वो खाने में बीच में अदरक का जो टुकड़ा दांतों तले आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर से हमने इसे कवर करके इस प्याज के प्योरे को अच्छे से पकाया है। उसके बाद इसे थोड़ी देर हम बगैर कवर किए इसे चलाएंगे, ताकि ये प्याज का जो कच्चापन थोड़ा निकल जाए। तो ये देखिए हमारा प्याज का जो कच्चापन है, तो देखिए इसका पानी भी बिल्कुल सूख रहा है। तो अब हम इस स्टेज पर टमाटर का जो प्योरे हमने बनाया था वो इसमें डालेंगे, और इसे भी अच्छे से पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक। इस प्रकार की रेसिपी फ्रेंड्स आपने पहले कभी नहीं बनाया होगी इस नेनुए की सब्जी को। तो ये देखिए हमारा अच्छे से सेपरेट हो गया दोनों प्याज टमाटर। तो अब यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच सब्जी मसाला का प्रयोग किया हमने। आप चाहे तो सब्जी मसाला नहीं भी डाल सकते, लेकिन सब्जी मसाला डालने से क्या है ना, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा मसाला हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। तो मसाला भुनने के बाद हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे इसमें। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो ये मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया, क्योंकि ये पैन छोड़ रहा है, तेल भी अलग हो रहा है। तब हम यहाँ पे थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ग्रेवी वाली रखनी है, ये नेनुए की ग्रेवी वाली सब्जी। तो थोड़ी सी हम पानी ऐड करेंगे, 1/2 कटोरी, लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास।
तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये गाढ़ी बन के तैयार है इसकी ग्रेवी। तो लास्ट में हम थोड़ी सी गरम मसाला डाल के इसे हम इसे चला लेंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। ये फाइनली हमारा नेनुआ की ग्रेवी मसाला की रेसिपी बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये बना है। तब हम इसे सर्व के लिए निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे फ्रेंड तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। या आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इसकी जो थिकनेस है ग्रेवी की, ये आपको देखने से नहीं लग रहा हो कि नेनुए की सब्जी है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।